यह ऐतिहासिक पल था गांव में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए, बदलते देश के लिए, उन हजारों लोगों के लिए जो अब भी सुविधाओं से दूर हैं। गांव में रहने वाले देश के 65% लोगों की जिंदगी में ऐतिहासिक बदलाव लाने के लिए पीएम ने आज स्वामित्व योजना की शुरुआत कर दी है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की। इस योजना से करीब 1,00,000 लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किया जाएगा। ये कार्ड मोबाइल फोन पर SMS के जरिए भेजे गए लिंक से डाउनलोड भी किया जा सकेगा। इस मौके पर पीएम ने ग्रामीणों की जिंदगी में इसे बड़ा बदलाव लाने वाला बताया। आत्मनिर्भर भारत अभियान में आज देश ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है। स्वामित्व योजना गांव में रहने वाले हमारे भाइयों बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है। इस योजना के तहत शुरुआत में 6 राज्यों के 763 गांवों के लोग सीधे लाभान्वित होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के 2 गांव शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने इस योजना के उद्घाटन के दौरान कार्ड पाने वाले ग्रामीणों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की, समझना चाहा कि इससे उनके जीवन में क्या परिवर्तन होने वाले हैं। जब आपको अपने घर का मालिकाना हक, आपके यहाँ उसको घरौनी कहते हैं, जब ये घरौनी मिल गया है तो पूरे परिवार को आपको इसका क्या असर पड़ेगा? साहब बहुत अच्छी खुशी की बात है साहब कि यह घरौनी मिल गई है, जो पास पड़ोस के विवाद रहे थोड़े बहुत वो खत्म हो गए हैं। दरअसल संपत्ति कार्ड मिलने से ग्रामीणों को सामाजिक और आर्थिक मजबूती मिलेगी, बैंक से आसानी से लोन हो सकेगा, साथ ही गांव में संपत्ति का झगड़ा भी खत्म हो सकेगा। अधिकारों की रक्षा के लिए संपत्ति कार्ड दिया जाएगा। इसे 2020 से 2024 के बीच पूरा किया जाना है और देश के 6.62 लाख गांवों को कवर किया जाएगा। योजना को लॉन्च करते वक्त पीएम मोदी ने नाम लिए बिना कांग्रेस पर निशाना साधा, गांवों को उनके हाल पर छोड़ने के आरोप लगाए। इन लोगों को खेती से जुड़े जो ऐतिहासिक सुधार किए गए हैं उनसे भी दिक्कत हो रही है, वो लोग बौखलाए हुए हैं। ये बौखलाहट किसानों के लिए नहीं है, खुद की दुनिया जो अब देश समझने लगा है ना, उसकी परेशानी है। पीएम मोदी ने ग्रामीणों को अधिकार की बात की, लाभ वाली योजनाओं का शुभारंभ भी किया, साथ ही जरूरी ये भी है कि देश के सुदूर गांव में रहने वाले निवासी तक इसका लाभ सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर भी मिले।